अमृतसर दे विच अज सुबह तो ही हो रही भारी बारिश तो बाद अमृतसर दीआं सड़कां पानी दे नाल नको नक भरिया ने, जिस दे नाल सरकार वल्लों जिहड़े पानी दे निकासी दे प्रबंध ने उस दे नाल स्पष्ट तौर दे उत्ते जिहड़ी उहदी पोल ते जिहड़ी खुलदी है, पर जो अमृतसर की खूबसूरती है सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं जाण वाला रस्ता, दरबार साहब नूं जाण वाले रस्ते ते जो हैरीटेज स्ट्रीट तुहानूं दिखा रहे हैं जिस दे बारे दावे कीते जांदे ने, जिस नूं लैके सरकार एक दावा करती है कि असी एक शहर की जिहड़ी नुहार बदल दित्ती जां नुहार नूं, तां उहदी जींदी जागदी मिसाल ये सामने तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा हैरीटेज स्ट्रीट दे विच पाणी सुबह तो ही इत्थे खड़ा है, तां लोकां नूं लंघन दे विच जिहड़ी है मुश्किल हो रही है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब नूं रस्ता जांदा है। इस तों इलावा तमाम सड़कां अमृतसर शहर दीआं, माल रोड की गल की जाए, एनम सिरमा नूं जाण दी वाली रोड की गल की जाए, राणी का बाग की गल की जाए, जां सैकंड हार्ट स्कूल के सामने तमाम अजिहियां लारेंस रोड के वाले पासे तमाम अजिहियां सड़कां ने जिथे पाणी पुतली घर ग्वाल मंडी सब वल्ले मंडी के हर जगह तो जो फोटो निक तस्वीर निकल के आ रही ने तो उत्थे पानी जिहड़ा है वह भरिया है। बारिश जिहड़ी सी सुबह तकरीबन 7 बजे तो शुरू हुई जो लगातार 4 बजे तक जिहड़ी बारिश है वह हुंदी रही है, तो लोग आम तौर पर अपने घरां दे विच रहे काम ते निकले, सड़कां ते ट्रैफिक भी दिखिया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जिहड़े नवे आए ने विक्रमजीत विक्रम दुग्गल वह जरूर अज सड़कां ते निकले, पुलिस जिहड़ी सी अज एक्टिव सी ते पानी दे विच उन्होंने ट्रैफिक जिहड़ी सी बहाल करवाउंदे जरूर उन्होंने एफर्ट कीते, पर कारपोरेशन वालों जो दावे किए गए हैं उसकी सामने जो जो मिसाल है वह दिखाई दे रही है कि पानी जिहड़ा सड़कां दे उत्ते है वो लगातार खड़ा है, जिहड़ा जो लगातार जिहड़े मुसाफर जिहड़े ने आ रहे दरबार साहब जो श्रद्धालु आउंदे ने वह भी सड़कां ते जिहड़े नाल नाल हो के जिहड़े ने लंघ रहे ने, सारागढ़ी दी जो सरां है उस सरां दे बिल्कुल सामने पानी भरिया है, तो श्रद्धालुओं नूं मुश्किल जिहड़ी आ रही है, हालांकि उन्होंने पानी जिहड़ा सी थोड़ा जिहा इत्थों इहदा लैवल जिहड़ा है घट गया है, पर पानी जिहड़ा सी लगातार उपर तक फ्लो कर रहा सी। तो ये अमृतसर दीआं सिद्धियां तस्वीरां ने, दूर तक जिहड़ी ब्रदर ढाबे तो जे झात मारी जाए तो हैरीटेज स्ट्रीट जो बनी है इतिहासिक हैरीटेज स्ट्रीट सी सचखंड श्री दरबार साहब नूं जाण वाले पासे, तो इत्थे अज जो मोलेधार बारिश हुई है उस तों बाद इत्थे जिहड़ा पानी है वह सड़क के उपर तुसीं देख सकते हो कि किवें जिहड़ा पानी भरिया, बाकी भी शहर दे विच जो पानी है इस तरह भरिया है, तो लोगों के नाल भी जिहड़ी असीं गलबात जिहड़ी वो करांगे पानी दे नाल की समस्या आई है, पर सरकार जो दावे करती है खासकर गुरु की नगरी की जे गल की जाए इतिहासिक नगरी की जे गल की जाए तो इसकी जिहड़े डिवेलपमेंट की जो दावे ने अज दे जिहड़ी बारिश पई है उस तों साफ झलकदे ने, बदलवाई अजे भी लगातार हुई है, बदल घुलिया होया, बारिश फिर हो सकती है जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग वालों कि अगले 24 घंटे अमृतसर दे विच होर तेज़ धार बारिश हो सकती है, तो जेकर होर बारिश हुंदी है तो स्थिति जिहड़ी पानी इस तों भी ज़्यादा सड़कां दे नज़र आएगा। संगत बहुत ज़्यादा आ रही है, पैदल जिहड़े लोग बेचारे अपने वो अपने बड़ी मुश्किल नाल पहुँच रहे हैं, ये ज़्यादा पानी का ज़्यादा जोर होने करके संगतों को बहुत मुश्किल आ रही है, पूरे पानी पूरे शहर के ही बड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि बहुत हालत माड़ी, जिन्ना पानी कोई निकास नहीं ना ज़्यादा, ये करके पानी का भी जोर आ बारिश का भी जोर, लेकिन वह कोई ना कोई सलूशन नहीं है कि जे पानी निकल जाए सीवरेज खोल दे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा, दो चौं पंजां बसां ना कोई सानूं भी फर्क नहीं पैंदा गुरु रामदास दीआं बसां, पर संगत दी हालात वेख के अज 10 बसां चलाईआं सवेर दीआं, ये करके संगत दे आउण जाण लई जो भी बेचारा आउंदा उहनूं जिहड़ी फैसिलिटी मिल जाए। पानी ने तो सर हम घूमने के लिए आए थे यहाँ पर सारा मज़ा ख़राब कर दिया है, और यहाँ पर एक तो रेल की टिकट भी नहीं मिली थी, ऊपर से मौसम ने भी मज़ा सारा ख़राब कर दिया है, तो और क्या बताएं, पानी बहुत चढ़ा हुआ है, जूतों में पानी में गिल्ले हो गए हैं, बुरा हाल हो गया आज, वहाँ कोई मजा नहीं आया घूमने। तो आपने सुना था कि सरकार दावे करती है जहाँ पे कि पानी दावे बहुत सुने थे भाई, पंजाब में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, साफ सफाई है, पानी नहीं रुकता, ये तो इशारे और यहाँ से भी गंदा काम हो चुका है यहाँ पे, तो हम अही प्रशासन भी नहीं कह सकते कि उन्हों की गलती है, पर जिस आदमी की इतने जिम्मेवारी है कि भाई हाँ ये बंदे की जिम्मेवारी है इस इलाके साफ सफाई कराने की, जवाबदारी उस बंदे की है, वो बंदे जो लग के जिन्हें साफ सफाई करनी है उन्होंने करवानी चाहिए है, ये अज पानी नहीं निकल रहा, एक गोड़े गोड़े पानी के विचों नहीं, मैं खुद भी सवेरे आया वहाँ, और बाकी जिनी भी संगत इतने आई है वह भी उस पानी के विचों की आई है, कई तो डिगे भी ने, कई कपड़े खराब होए ने, कई बैग अटैची खराब होए ने।